हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, वरना YouTube पे कोई दुखी आत्मा थोड़ी आता है। इस वीडियो में मैंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिलीज हुई हिंदी मूवीज के ट्रेलर डाले हैं और आपको इन मूवीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। तो गांधी जयंती की वीक में चार मूवीज की बात करूंगा मैं, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, मूवी जाने से पहले वीडियो को एंड में जो नेक्स्ट वीडियो का सेक्शन है उस पर क्लिक करके आप ट्रेलर्स जरूर देखिए। एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप पैसा खर्चा कहाँ कर रहे हैं और आपको क्या मिल सकता है उस पैसे में। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि उनको ट्रेलर्स नहीं मिल पाता है मेरे वीडियो में, तो आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में जो मेरे चैनल का स्क्रीन आता है, जिसमें प्रीवियस, नेक्स्ट और सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, वहां पर आप नेक्स्ट वीडियो के लिंक पर क्लिक करिए जो आपको ट्रेलर तक ले जाएगा। सीधी बात है, मैं ट्रेलर्स डायरेक्टली वीडियो में ही क्यों नहीं डाल देता हूँ? तो इसका रीज़न है कॉपीराइट। जी हाँ, अगर मैंने ट्रेलर्स डायरेक्ट रिकॉर्ड करके वीडियो में ही डाल दिया तो मुझे कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इन सबको कंपाइल करके मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, ताकि आपको एक जगह पे सारे वीडियोस मिल जाएं। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बात, तो पढ़ते हैं पहले मूवी की तरफ, जिसका नाम है द स्काई इज पिंक। नाम अंग्रेजी है पर एक्टर्स अपने फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा ही हैं। जी हाँ, ये हिंदी की मूवी है जो कि इंग्लिश में भी डब करके रिलीज की गई है, पर हम इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हिंदी की ही मूवी देखेंगे। ट्रेलर देख के स्टोरी का अंदाजा लग जाएगा, थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी है। 3 साल बाद, ऑलमोस्ट 3 साल बाद प्रियंका चोपड़ा की मूवी रिलीज हुई है। शी स्टिल लुकिंग वेरी गॉर्जियस, देखिएगा जरूर। दूसरी मूवी का ट्रेलर बहुत ही शानदार। जी हाँ, हीरो है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। एक्शन पैक मूवी है, अच्छे एक्शन सीक्वेंस हैं। मूवी का नाम है वॉर। अब गांधी जयंती पे वॉर रिलीज हुई, कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर, मूवी रिलीज करने वाले जाने क्या कनेक्शन है, बट ये मूवी आपको किसी इंग्लिश मूवी की याद जरूर दिलाएगी। कमेंट में लिखिएगा कौन सी इंग्लिश मूवी हो सकती है वो। अब आगे बढ़ते हैं शेरा नरसिम्हा रेड्डी की तरफ। जी हाँ, नाम साउथ इंडियन मूवी जैसा लग रहा है। हिंदी में डब की हुई है ये मूवी, हिंदी में भी डब की हुई है, काफ़ी अदर दूसरी लैंग्वेजेस में भी डब की गई है, और इसमें क्लेम किया गया है कि ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। खैर, हिस्ट्री में तो मैं नहीं जाऊंगा। हीरो है चिरंजीवी और अमिताभ बच्चन। काफ़ी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ट्रेलर भी काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया, आप भी देखिएगा जरूर। काफी मार धाड़ की बात हो गई है तो अब थोड़ा कॉमेडी की तरफ चलते हैं। जी हाँ, कॉमेडी लेके आए हैं कुणाल खेमू अपने लूट केस में। ट्रेलर काफी फनी है, पूरी मूवी भी अच्छी होनी चाहिए। कुणाल खेमू काफी टैलेंटेड एक्टर हैं, शायद इस मूवी में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, तो ये मूवी देखिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी ये चार मूवीज इस महीने की पहले वीक में रिलीज होने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, ट्रेलर देखना मत भूलिएगा।